नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं आपकी पढ़ाई दी एजुकेशनल चैनल। आज हम स्टडी करेंगे नोज के बारे में। नोज कहा जाता है नाक को, और अगर हम बात करें कि ये क्या है, ये है एक सेंस ऑर्गन जो कि सूंघने में मदद करता है, या फिर हम कहते हैं कि जो हम सूंघते हैं वो किस वजह से सूंघते हैं, नोज की वजह से। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये क्या है, फ्लावर यानी कि फूल। तो हम देखते हैं कि जो फूल की खुशबू होती है वो प्लेजेंट होती है, मतलब ये कि हमें अच्छी लगती है। तो इसका मतलब है कि कुछ जो स्मेल्स हैं वो प्लेजेंट होती हैं, यानी कि हम अगर गुलाब के फूल की बात करें कि जो उसकी खुशबू है वो हमें अच्छी लगती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ स्मेल्स जो हैं वो अनप्लेजेंट होती हैं, मतलब ये कि जो सूंघने में अच्छी नहीं लगती। और अगर हम उसकी बात करें कि उसमें क्या हो सकता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो डेड रैट है, यानी कि अगर किसी जगह पर चूहा मरा हुआ पड़ा हो तो वहाँ से क्या होती है, वहाँ से बदबू आना स्टार्ट हो जाती है, बैड स्मेल कहेंगे, या फिर हम कहेंगे कि अनप्लेजेंट, जो कि हमें अच्छी नहीं लगती। तो इसका क्या मतलब है कि हम जो ये वो फ़र्क कर सकते हैं कि कौन सी जो स्मेल है वो खुशबूदार है या फिर प्लेजेंट है, हमें अच्छी लगती है, कौन सी जो है वो अनप्लेजेंट है, जो हमें अच्छी नहीं लगती। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा नोज है, हमारा नाक है, उसको फर्दर देखा जाए तो उसके अंदर क्या मौजूद है, उसके अंदर मौजूद होते हैं टू नॉस्ट्रल्स। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमें सुराख नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, ये नॉस्ट्रल हैं। जैसे यहाँ पर हमें सर्कल करें, ये एक नॉस्ट्रल है और ये क्या है, ये दूसरा नॉस्ट्रल है। तो हमारा नोज़ जो है वो डिवाइड हुआ हुआ है इन दो नॉस्ट्रल्स में। अब अगर हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें नोज़ का, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये नॉस्ट्रल है। और नॉस्ट्रल से फिर आगे हम देखते हैं फर्दर स्ट्रक्चर को, तो नॉस्ट्रल जो है वहाँ से हम कोई भी क्या करते हैं, जो हवा अंदर लेके जा रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो उस हवा में मौजूद जो क्या है, ओडोर मॉलिक्यूल्स। ओडोर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है कि जो स्मेल के हैं, जो खुशबू के हैं या बदबू के हैं, उसके मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। वो हवा के साथ जब हम सांस लेते हैं तो वो आ जाते हैं हमारे नोज़ में, हमारे नाक में। अब हम देखते हैं कि जो हमारा नोज़ है उसकी जो इनर लाइनिंग है, वहाँ पर मॉइस्ट मेम्ब्रेन होती है, थोड़ी थोड़ी सी नमी होती है वहाँ पर, और वहाँ पर क्या मौजूद होता है, म्यूकस। इसके अलावा हमने देखा है कि नाक के पास यहाँ पर बाल भी मौजूद होते हैं। अब ये जो बाल हैं ये क्या करते हैं, जो हवा में मौजूद मिट्टी या डस्ट है उसको यहाँ से अंदर नहीं आने देते। अब अगर हम यहाँ से अंदर जाएं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक कैविटी नज़र आ रही है। ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, कैविटी। इस कैविटी को कहा जाता है नेज़ल कैविटी। अब ये जो नेज़ल कैविटी है इसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि नेज़ल कैविटी की जो इनर सरफेस है, जब हम इसको बड़ा करके देखते हैं, जब हम इसको इनलार्ज करके देखते हैं, तो हमें नज़र आता है कि वहाँ पर ख़ास किस्म के सेल्स मौजूद हैं। अब ये जो सेल्स हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाले जो सेल्स हैं, अगर इनकी हम बात करें तो इन्हें कहा जाता है ऑल्फैक्ट्री सेल्स। अब ऑल्फैक्ट्री सेल्स के साथ हम देख रहे हैं कि नीचे हमें नज़र आ रहा है बालों की तरह का स्ट्रक्चर, इन्हें कहा जाता है सीलिया। और क्योंकि ये ऑल्फैक्ट्री सेल्स के हैं तो हम कहेंगे ये हैं ऑल्फैक्ट्री सीलिया। किन के ऑल्फैक्ट्री सीलिया हैं, ऑल्फैक्ट्री सेल्स के। अब ये जो हम कह रहे थे कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी स्मेल के, यहाँ पर हम देख रहे हैं गुलाब के फूल की है, तो ये जो खुशबू के यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जब हम सांस लेते हैं उसके साथ हमारे नाक में, और फिर कहाँ पर आगे नेज़ल कैविटी में आ जाएंगे। फिर नेज़ल कैविटी में जब हम देखते हैं इसको इनलार्ज करके, तो यहाँ पर ये जो सीलिया मौजूद हैं,
इस सीलिया के साथ ये स्टिक कर गए, यानी कि ये चिपक गए, या फिर हम कहते हैं कि जब इनका इनके साथ कॉन्टैक्ट होता है, जब ये इसके साथ टच करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद ये मैसेज लेके जाते हैं फर्दर और नर्व्स तक, जो कहाँ पर मौजूद हैं, जो हैं ब्रेन में। और ब्रेन का हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो कि सूंघता है या फिर डिटेक्ट करके बताता है किसी भी स्मेल को, उसे कहा जाता है ऑल्फैक्ट्री बल्ब। जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ऑल्फैक्ट्री बल्ब। तो हम देखते हैं कि जो मैसेज है, मतलब ये कि यहाँ पर के जो बी ओडोर है, मतलब ये कि कोई भी खुशबू या बदबू है, उसका मैसेज जाता है हमारे दिमाग तक, और दिमाग जो है वो उसको डिटेक्ट करता है। और जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, फिर वो हमें डिटेक्ट करके बताएगा कि खुशबू प्लेजेंट है, मतलब ये कि ये अच्छी है, हमें मतलब खुशगवार है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुलाब की, अगर हम खुशबू की बात करें तो हमने बहुत सारे गुलाब की खुशबू जो है वो सूंघी हुई है, तो उसमें हम देखते हैं कि हमें वो अच्छी लगती है। जब अच्छी लगती है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो क्या है, वो प्लेजेंट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, वो हमें डिटेक्ट करके बताता है मुख्तलिफ स्मेल्स के बारे में, यानी कि हम जो भी चीज़ सूंघते हैं वो किस तरह से सूंघते हैं, उसमें क्या इन्वॉल्व है। उसमें इन्वॉल्व होता है हमारा नोज़, यानी कि हमारा नाक। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया नोज़ के बारे में।